सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर बक्सर से है, जहां वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बक्सर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसके अलावा सरकार ने आदेश भी दिया है और ट्रैफिक पुलिस हेलमेट पहनने के लिए सख्ती से अभियान भी चला रही है। तो दूसरी तरफ नए साल में शराब तस्करों को शराब तस्करी के लिए हेलमेट का एक नया फॉर्मूला मिल गया है और शराब तस्कर हेलमेट में भी शराब को छुपा कर उत्तर प्रदेश से बक्सर बिहार के सरहद में आना शुरू कर दिए हैं। सर, ये हेलमेट में भी सुने में आ रहा है कि हेलमेट में आज पकड़ी गई है कार के, अच्छा, उसके विभिन्न भागों में सब जगह तहखाना बनाकर हेलमेट के अंदर रख के हेलमेट ला रहे थे। सर, कुल मिलाकर कितना सर बरामदगी हुआ इसमें? वही तो हम लोग 12 तस्कर को पकड़े हैं, अच्छा, और 18 पीने वाला का निशानदेही पर ही हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। शराब बरामद किया कितना हुआ है? शराब बरामद तो हुआ है आज, उसमें कितना 10.5 लीटर हुआ है। सर, तस्कर नाना प्रकार का फंड अपनाते हैं, कैसे आप लोग को सफलता मिल जाती है? मिल जाता है, उसमें एक्सरे मशीन से हम लोग जांच कर रहे हैं। अच्छा, एक्सरे मशीन से। खबर लखीसराय से है, जहां दैनिक यात्री संघ की प्रदेश इकाई का एक शिष्टमंडल यात्री संघ के अध्यक्ष केवी राय की अध्यक्षता में 29 दिसंबर 2022 को जोनल कार्यालय हाजीपुर पहुंचकर अपनी मांग पत्र को सौंपा। इनके साथ ही झाझा से क्यूल तक सभी हाल्ट में बैजनाथ धाम पैसेंजर दोनों जोड़ी अप एंड डाउन ठहराव यातायात करने की मांग की और मांग पर गौर कर HM नितिन कुमार ने आश्वासन दिया कि हम आपकी मांग को मानते हैं और आपका काम होगा, इस पर हम विचार करेंगे। खबर मधुबनी से है, जहां समस्तीपुर के मंडल रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने जयनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और यात्रियों की सुविधाओं के लिए साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर निर्देश भी दिए। हालांकि DRM ने इस रूटीन निरीक्षण को बताते हुए मीडिया कर्मियों से कहा कि रेलवे क्षेत्र में चल रहे विभिन्न निर्माण परियोजनाओं का जायजा लेना प्राथमिकता है। बता दें, निरीक्षण के दौरान सीनियर DCM चंद्रशेखर प्रसाद और सीनियर DOM डॉक्टर नीलेश झस के साथ अन्य अधिकारी व भी उपस्थित थे वहां पर। खबर मधुबनी से है, जहां जिला के हरलाखी प्रखंड के पिपरौन गांव स्थित एक खेल मैदान में नेहरू युवा के केंद्र मधुबनी में तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता के अंतिम दिन वॉलीबॉल व फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई खिलाड़ियों ने जीत हासिल की। बता दें, खेल की शुरुआत से पहले इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ठाकुर ने सभी खिलाड़ियों से परिचय पत्र कर बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। वहीं इस प्रतियोगिता को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। पार्टिसिपेट करते हैं, मगर अच्छा लगा आप लोग ने यहाँ पे फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, आप लोगों ने अच्छा खेला है। बता रही थी भैया जी कि बच्चे लोग काफी रुचि लिए हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग खेलकूद से भी देश का नाम रोशन करें। खेलकूद के साथ आप जो है नशा से भी दूर रह सकते। बॉर्डर एरिया में देखा कि बहुत सारे जो है लड़के छोटे छोटे इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी है। मतदान केंद्र के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है। आपको बता दें कि यहां 28 दिसंबर को चुनाव खत्म हुआ था। इस बार का मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। शुरुआती रुझान में कई वार्ड में पुराने तो कई वार्ड में नए चेहरे को जनता ने मौका दिया। इस मतदान के बाद सबके जीत के अपने अपने दावे हैं। उसमें मुख्य पार्षद दोनों का पहले ललित चल रहा है और जो वार्ड पार्षद का है 1 से 49 वार्ड तक है, तो उसमें से 24 वार्ड का 24 टेबल हम लोग का बना हुआ है। उस 24 टेबल पर वार्ड पार्षद का भी काउंटिंग शुरू है और वार्ड पार्षद में जो चिन्हित टेबल है उसी टेबल पे उस वार्ड के सभी जो मतदान है उसका सभी का काउंटिंग उसी पर होगा जो मतदान केंद्र है। इसीलिए सभी कैंडिडेट या इनके काउंटिंग एजेंट को बोला गया है कि जो वार्ड के लिए टेबल चिन्हित है उसी पर बने रहें जब तक उनका काउंटिंग उस वार्ड का समाप्त नहीं हो जाता है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।
क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। बढ़ते हैं खबर की ओर। नवादा में अकबरपुर थाना के समया गोपालपुर गांव में शौचालय निर्माण के लिए गड्ढा खोदने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट हो गई। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। भाई बोला कि गाली नहीं दो, उसी में उसका एक भाई निगम सिंह लाठी लेकर घर पर चढ़ गया, मारपीट कर दी। कौन लोग मारा? निगम सिंह, बिबू सिंह और उसका एक लड़का है पिताजी राकेश सिंह। बिहार में नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र में गोपालपुर गांव में घर में आग लग गई। आग लगने से एक वृद्ध की जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर सहरसा से है, जहां एक तरफ बिहार सरकार लगातार शराबबंदी को लेकर नए नियम बनाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ शराब कारोबारी अपनी करतूत से बाज नहीं आ रही है और पुलिस भी शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं। सहरसा जिला के पतरघट ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार की संध्या गश्ती के दौरान 200 लीटर देशी शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सहरसा में महाराणा प्रताप स्वाभिमान दिवस पर तैयारी के लिए समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जदयू के जिला उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह और संचालन जदयू के प्रदेश नेता किशोर सिंह ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान पार्षद संजय कुमार सिंह ने कहा कि क्षत्रिय समाज के लिए महाराणा प्रताप स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने घास की रोटी खाकर क्षत्रिय वंशज के लिए सदैव संघर्ष करते रहे और अपने स्वाभिमान के लिए कोई गलत समझौता नहीं किया। क्षत्रिय समाज के लिए महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी 23 जनवरी को महाराणा प्रताप की जयंती पर मिलर हाई स्कूल पटना में स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। क्षत्रिय समाज के 200 से अधिक लोग वहां पर मौजूद रहे। बिहार में सुपौल के दूसरे चरण की मतगणना जारी है। वहीं पेपरा और बीरपुर नगर पंचायत से चेयरमैन प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह और सुशील कुमार की शानदार जीत हुई और उप चेयरमैन से अरुण कुमार गुप्ता की जीत हुई। दोनों प्रत्याशियों ने मीडिया से बात करते हुए नगर पंचायत के सभी जनता को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि नगर पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाना है और चौमुखी विकास करना है। और UPSC वगैरह करते हैं तो उसको हम एक प्रोत्साहन राशि देंगे, उनका मान सम्मान के लिए आप लोगों को बुला के मान सम्मान भी देंगे, जिससे कि शिक्षा का विकास होगा। क्योंकि प्रोत्साहित जैसे ही करना शुरू करिएगा, देखा देखी और भी, अभी हमारे यहाँ एक हमारे बम भाई साहब हैं, बम वर्मा जी, उनका बेटा लेफ्टिनेंट बना है, तो हम लोग एक बहुत बड़ा गेट बनवाए आनंदी पट्टी में NH पे। और आपका कि चुनाव जीतने के बाद आप प्रश्न कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार होगा कि नहीं होगा, मैं कल भी कहा था, आज भी कहूँगा और आने वाले कल में भी कहूँगा कि यदि मैं भ्रष्टाचार किया तो मेरा कॉलर पकड़ सकते हैं आप। पिछले मैं हूँ वार्ड नंबर 5 के
जनताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी जीत सुनिश्चित हो गई है जी, जनताओं का साथ मिला, सभी भाई बंधु सभी स्नेह प्यार दिया, और मेरा एक ही कर्तव्य बनता है कि 5 साल उनके लिए ऐसा काम करूं कि जितना मेहनत अभी पड़ा उससे कम मेहनत पड़े। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।